लेसन नंबर 11, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। आइए इसको मैथमेटिकल वे में समझते हैं। किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करते हैं या कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट करते हैं, कोई एक काम करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा। सपोज करें हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, उसके अंदर हम रोज को रिप्लेस कर देते हैं कॉलम्स में, यानी कि कन्वर्जन के बाद, कन्वर्ट करने के बाद जो रोज है उस मैट्रिक्स में वो कॉलम बन जाती है। या हम यही काम कॉलम के लिहाज से करते हैं कि जो कॉलम से वो किस में ट्रांसफॉर्म हो गई, रोज में। तो फिर हमें जो मैट्रिक्स हासिल होगा रिजल्ट के तौर पर, वो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स होगा। आइए इसको एग्जांपल की मदद से समझते हैं। ए के जो एलिमेंट्स हैं 1, 2, -1, 2, 1, 4, 3, 0, -2, इसके अंदर जो नंबर ऑफ रोज हैं उन्हें हम शो करते हैं एम के साथ और वो है 3। जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उन्हें हम शो करते हैं एन के साथ, स्मॉल एन, वो भी 3 है। तो जो ऑर्डर है वो m क्रॉस n होता है, यानी कि 3×3 मैट्रिक्स आ गया। अब हम लेंगे a का ट्रांसपोज। जब a का ट्रांसपोज लेंगे तो हम ये करेंगे, ये इसकी पहली रो है, इसको कॉलम बना दें। जो पहली रो है वो पहले कॉलम में शिफ्ट हो गई, 1, 2, 3। अच्छा, दूसरी रो को देखें, जो दूसरी रो है वो दूसरा कॉलम बन गई, 2, 1, 0। और जो तीसरी रो है वो तीसरा कॉलम बन गई, -1, 4, -2। देखिए हमारे पास ये पहली रो थी, इसको हमने लिख दिया पहले कॉलम की फॉर्म में। ये देखिए इधर हमारे पास दूसरी रो थी, उसको हमने लिख दिया दूसरे कॉलम की फॉर्म में। फिर हमारे पास तीसरी रो थी, उसको हमने लिख दिया तीसरे कॉलम की फॉर्म में, यानी कि हमने कन्वर्जन की है रोज इनटू कॉलम्स, कन्वर्जन हमने सिंपल ये किया कि रोज को कन्वर्ट कर दिया कॉलम्स में। इस तरह से हमारे पास ट्रांसपोज आ गया। अगर यही काम मैं कॉलम के लिहाज से करूं, अभी मैंने रोज के लिहाज से किया है, अभी इसको मैं दोबारा सॉल्व करता हूं कॉलम्स के लिहाज से। देखिए हमारे पास यही मैट्रिक्स लेके चलते हैं हम अगेन। ये देखें इधर हमारे पास जो मैट्रिक्स है, पहला जो इसकी रो है 1, 2, 3। अच्छा, दूसरी जो रो है 2, 1, 0। तीसरी जो रो है वो है -1, 4, -2। अब मेरा जो फोकस होगा वो कॉलम पे होगा, तो यहां से मैंने इसको कन्वर्ट करना है ए ट्रांसपोज में। अब देखें जो पहला कॉलम है वो क्या है, वो 1, 2, -1 है, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा रो में। जो पहला कॉलम है पहली रो बन जाएगा, उसको लिख लेते हैं वहां पर, ये देखें 1, 2, -1। अच्छा, दूसरे कॉलम पे आ जाएं
दूसरा कॉलम दूसरी रो बन जाएगा 2, 1, 4, और जो तीसरा कॉलम है ये तीसरी रो बन जाएगा 3, 0, -2। ये बहुत सिंपल है। हमने यहां पर ये काम किया, हमने कॉलम्स को कन्वर्ट कर दिया रोज में, तो ये कन्वर्जन हुई है यहां पर, तो सेम रिजल्ट आया। जो ए ट्रांसपोज वहां पर था वही लिखा हुआ यहां पर भी। अगर हम इसको और से देखें तो पहला कॉलम पहली रो बन गया, दूसरा कॉलम दूसरी रो, तीसरा कॉलम तीसरी रो, कन्वर्ट करने के बाद ये ट्रांसपोज आ गया। एक और एग्जांपल देखते हैं इसकी। एक बी मैट्रिक्स है, अच्छा इसको हम बी ट्रांसपोज में लिखते हैं। देखें जो हमारे पास की पहली रो है 1, 0, 2, वो पहला कॉलम बन जाएगी 1, 0, 2, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। जो दूसरी रो है दूसरा कॉलम, तो इस तरह से हमारे पास ये आ गया। फॉर एग्जांपल एक और जैसे सी मैट्रिक्स है हमारे पास 0 और 1, इसमें कॉलम दो हैं लेकिन रो एक ही है, रो को हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो जो सी ट्रांसपोज आएगा ये रो है कॉलम बन जाएगा 0 और 1, ये सी ट्रांसपोज आ गया। तो इस लेसन में हमने ये सीखा अगर कोई मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स कोई भी है उसका ट्रांसपोज हम किस तरह से लेंगे, रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दें। पहली रो जो है पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, एंड सो ऑन। अगर दो रोज हैं तो उनको कॉलम में कन्वर्ट कर दें, तीन रोज हैं तीनों कॉलम में कन्वर्ट कर दें, पूरा मैट्रिक्स जो है वो कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर हमें उसका ट्रांसपोज हासिल होता है। थैंक यू।